ये कौन है जो गिल्ड वॉर में लंगड़ी लंगड़ी खेल रहा है? अरे ये तो हैकर निकला भाई। अरे बाप रे बाप, क्या ही हेडशॉट मार रहा है। मैं इसके पहले भी कई यूट्यूबर को एक्सपोज कर चुका हूँ जो कि गिल्ड वॉर में हैक लगाते हुए पकड़े गए थे, जो कि मिलियंस वाले वी पेज वाले यूट्यूबर थे, उनको भी मैंने एक्सपोज किया है। उनको एक्सपोज करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने गिल्ड वॉर खेलना ही बंद कर दिया, उनको एक्सपोज करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज मैंने जब अपनी खुद की गिल्ड में मैंने ट्राई किया कि चलो आज अपनी खुद की गिल्ड है तो अपन थोड़ी बहुत इसकी पुश कर लेते हैं गिल्ड वॉर खेल के, मैंने जैसे ही स्टार्ट किया मेरे बाद देखा तो भाई उसमें डायरेक्ट हैकर ही आया। सबसे पहला नॉकडाउन दिया तो वो मेरे को ही दिया भाई हैकर ने। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि ये हैकर नॉर्मल हैकर नहीं है, ये पेड हैकर है। इनको पैसे देकर हैक करते हैं। अगर आप नॉर्मल मोड एपीके कहीं से डाउनलोड करने जाओगे तो आपका 10 बार तो क्रैश होगा, 10 बार आप इलिमिनेट हो जाओगे, बीच बीच में आप इलिमिनेट भी हो जाओगे। गूगल पे से डाउनलोड किया गया नॉर्मल जो हैक रहता है ना उसमें आपको 1000 प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक पेड हैक है जिसे सारे ये बड़े लोग यूट्यूबर यूज कर रहे हैं। अब जो साइड में मेरे नाम देख रहे हो फायर हंटर, देखो ये गिल्ड इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन जितनी भी है भाई ये कर्नाटक में है। जैसे कि कर्नाटक वाला बंदा है तो कर्नाटक की जो गिल्ड है उसमें ये बंदा के अच्छे टॉप 30 के अंदर ही इसकी गिल्ड है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री फायर वाले को पता नहीं है कि गिल्ड वॉर में हैकर आ रहे, लेकिन वो इस चीज को पोस्ट नहीं कर सकता। अगर इसको पोस्ट कर दे तो उनकी जो गिल्ड का ग्लोरी बढ़ता है, गिल्ड की जो हमारी लेवल बढ़ती है, वो सब चीज भी बंद करनी पड़ जाए। मैंने अभी एक गरीना फ्री फायर का एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा तो उसके नीचे भाई साहब सभी का सभी एक ही बंद, गिल्ड वॉर नहीं 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 हैकर वॉर, गिल्ड वॉर कर रॉन्ग हैकर वॉर राइट। उन्होंने एक ही बात लिख रखी थी जो कि गिल्ड वॉर के हैकर के ऊपर थी सारे के सारे कमेंट वालों ने, वो ये गिल्ड वॉर हैकर वाली जो प्रॉब्लम है ये OP44 का अपडेट है, इससे पहले वाले अपडेट के भी प्रॉब्लम है। यहां तक कि चलो हम तो खेल लेते, चलो अब मेरी गिल्ड है तो मैं खेल लूंगा, चलो हैकर को मैं एक बार इग्नोर कर लूंगा कि मैं खेल लूंगा, लेकिन अगर जो मेरे फ्रेंड है वो मेरे और भी गिल्ड मेंबर है वो तो भाई परेशान होकर अपने आप ही गिल्ड को छोड़ देंगे ना, गिल्ड वॉर खेलना ही बंद कर देंगे वो, तो मेरी तो गिल्ड की नॉर्मल रैंक घटेगी। अब आप इस बंदे की UID याद रखो, ठीक है, इस बंदे की UID रखो और इसके एक और प्लेयर उसकी भी UID आप याद रखना। अब मैंने यहाँ पर इस हैकर की UID को कॉपी कर लिया था तो अब मैं आपकी इसको ID इंस्पेक्ट करके बताऊँ, ठीक है। इसकी ID ये कुछ है, 4 लेवल की ID है, चलो इसका तो ठीक है भाई हैकर है उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके गिल्ड पे देखो मैंने जब जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था YT। अब आप भी पढ़ लो भाई 23,000 सब्सक्राइबर इस बंदे के, ठीक है। और इस बंदे की अगर मैं इसके गिल्ड लीडर की मैं ID इंस्पेक्ट करूँ तो भाई साहब आप देखना 67 लेवल का बंदा है, गुजरात में गिल्ड है इसकी 6 नंबर पे, ठीक है, गुजरात में गिल्ड 6 नंबर पर है और उसमें भी ये हैक लगा के खेल रहा है। और इसके चैनल का नाम आप देख ही सकते हो फिलहाल। अब भाई जो लोग हैक लगा रहे हैं इसके पास देखो बंडल, देखो इसके पास इतने खतरनाक खतरनाक वाले बंडल है, मतलब 20 लिस्ट में भाई, ऐसा नहीं है बंडल है, ये 20 लिस्ट है, सॉरी हाँ मैंने गलती से पढ़ दिया। और इसके पास देखो कोबरा MP40 नहीं, ये सब गन भी है, इसके पास अच्छी खासी गन स्किन भी है। अब ये बंदा गाइस हैक लगा के यूज़ कर रहा है, जो जिसने हैक लगा के यूज़ कर रहा जो गलत काम कर रहा है उसके सब्सक्राइबर आप देख लो, हमारे सब्सक्राइबर देख लो जो इनको एक्सपोज मार रहा है। यहाँ पर भाई कोई 19-20 का फर्क नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत हजारों का फर्क है। थोड़ा बहुत आप मेरे को सपोर्ट दिखा दो और हम सब मिलकर इस गिल्ड वॉर को हैकर वॉर बनने से बचा लेंगे। वैसे तो इस गिल्ड वॉर को गिल्ड वॉर कहना ही गलत है, ये हैकर वॉर ही है, सिर्फ इसमें हैकर लोग से ही जीत सकते हैं। तो वही हैकर वॉर की बात, लेकिन इससे बचना कैसे, देखो इसका बचने के मैं 3 उपाय बता देता हूँ आपको। पहला उपाय, आप जैसे ही गिल्ड वॉर में जाते हो और वहाँ पर आप लॉबी में है तो आप लॉबी में आपके दोस्तों को और आप सब लोग मिलकर देखो, अगर कोई बंदा कुछ इस प्रकार का नूबड़ी ड्रेस पहन के दिख रहा हो आपको तो समझ जाना वो हैकर है, आप वहीं से गेम को बैक कर दो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा है, फिर भी आप ऐसा करके पुश करना चाहते हो तो आप दोस्तों 4 लोग दोस्त हो तो आप चारों के चारों क्रोनो लेके आओ और क्रोनो के लिए एक कॉर्नर में छुप जाओ जहां पर कोई बंदा ना दिखे, अगर कोई आसपास हैकर आए तो आपको क्रोनो फटाफट लगा लेना है, उससे ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो बच सकते हो। और जो लास्ट और तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि गिल्ड वॉर खेलना ही छोड़ दो। अगर गिल्ड वॉर की रीच कम होगी तो गरीना फ्री फायर खुद पे खुद इसको सुधार करने पे आएगा। इतने हैकर होने के बाद भी इस गिल्ड वॉर को सब लोग खेल रहे हैं तो गरीना फ्री फायर भी इतना इस पे ध्यान नहीं दे रहा है जितना इसको देना चाहिए, क्योंकि भाई हफ्ते में एक दिन आता है और उसमें भी इतने सारे हैकर आते हैं और इतने सारे पूरा गेम बिगाड़ के चले जाते हैं तो उससे क्या मतलब निकलता। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपका क्या कहना है इस गिल्ड वॉर हैकर पर कमेंट कर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।